देश में साल 2014 के बाद कांग्रेस की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। हालांकि कांग्रेस लाखों कोशिशें कर रही है फिर से पार्टी को उठाया जाए, खासकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खुद को और भी मजबूती के साथ बढ़ाने की कोशिशें कर रही है। विधानसभा चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा गंवा चुकी कांग्रेस ने अब की बार दाव खेला है नकुल दुबे पर। दाव खेलने के मायने क्या है ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा जानिए नकुल दुबे के बारे में। नकुल दुबे एक वक्त बसपा अध्यक्ष मायावती के काफी करीबी रहे और बसपा में ब्राह्मण चेहरा भी रहे। नकुल दुबे ने साल 1984 में लखनऊ के एक कॉलेज से बीए की डिग्री ली और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी करके लखनऊ कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। लेकिन वकालत के साथ साथ नकुल दुबे की रुचि राजनीति की ओर बढ़ी और वो धीरे धीरे राजनीति की ओर आगे बढ़ने लगे। साल 2007 में नकुल दुबे को बसपा से टिकट मिला और उन्होंने मोहना सीट से किस्मत आजमाई और चुनाव में नकुल दुबे को जीत मिली। इसी जीत के साथ पार्टी में नकुल दुबे का कद बढ़ता गया और मायावती सरकार में उन्हें मंत्री का दर्जा भी मिला। हालांकि इसके बाद नकुल दुबे के लिए चुनाव में सब कुछ ठीक नहीं रहा। साल 2009 में नकुल दुबे को सीतापुर का लोकसभा प्रभारी बनाया था, लेकिन यहां सफलता हाथ नहीं लगी। फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नकुल दुबे लखनऊ से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन यहां भी हार का सामना ही करना पड़ा और वो तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि बहन जी का विश्वास नकुल दुबे पर कम नहीं हुआ। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान नकुल दुबे को पार्टी का ब्राह्मण चेहरा घोषित करके सामने लाया गया, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी को कुछ खास हाथ नहीं लगा और अप्रैल 2022 में नकुल दुबे को बसपा ने अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब बसपा का ब्राह्मण चेहरा रहे नकुल पंजे का हाथ थाम रहे हैं, मतलब कांग्रेस की ओर से भी नकुल दुबे ब्राह्मण चेहरा ही हैं। अब जानना ये भी जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या बल कितना है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या करीब 11 से 12 फीसदी है। हालांकि कुछ जिलों में ऐसा भी है जहां इनकी संख्या करीब 20 फीसदी है। राजनीतिक हवा बनाने में भी काफी सक्षम माना जाता है। करीब 5 दर्जन से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। 1989 के बाद से यूपी में जिस भी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला उसे सियासी तौर पर बड़ा फायदा हुआ है। वाराणसी, चंदौली, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, भदोही, जौनपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी, बलरामपुर, कानपुर, प्रयागराज में ब्राह्मण मतदाता 15% से ज्यादा है। यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स किसी भी उम्मीदवार की हार या जीत में अहम रोल अदा करते हैं। तो नकुल दुबे को पार्टी में लाकर कांग्रेस शायद 2024 की तैयारी अभी से कर रही है। कोशिशें यही की जा रही है कि ब्राह्मणों का भरोसा जीता जाए और इसी राह पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।